बाबू मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर बाबू जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी ना, तब तक पापा हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ उनको कैसे हैं। प्लीज बाबू, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए ना, ताकि आपको जल्दी से नौकरी मिल जाए। हाँ आपको पता है बाबू, मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसे आईफोन दिलाया है और वो मुझे दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे नीचा फील कराने के लिए दिखा रही है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे आईफोन नहीं दिला सकता है, पर मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि जिनको महंगे महंगे गिफ्ट दो तभी प्यार करेंगी। आपको तो पता ही है कि मैं आपको निस्वार्थ प्रेम करती हूँ, है ना बाबू? आपको कितनी बार हम बोले हैं कि आप अपने खाने पीने पे ध्यान दिया करिए, लेकिन आप है ना कि मेरी एक नहीं सुनते हैं। हो गई ना कमजोरी, टाइम से खाएंगे पिएंगे, शरीर में जान रहेगी, तभी ना पढ़ाई लिखाई करने में मन करेगा। एक बात जान लीजिए, अगर आप सक्सेस हो गए ना, तो हम भी अपने घर में सर उठा करके बोल पाएंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी हमारी शादी से। और आप तो जानते ही हैं कि जो सक्सेस नहीं होते हैं उनको लव मैरिज करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। फिर भी यार विराट आउट हो गया। बाबू ये क्या दिन भर आप क्रिकेट देखा करते हैं? क्रिकेट देखने से आपको क्या मिलेगा बताइए? वो लोग तो अपनी फील्ड में सक्सेस हो गए, विराट अनुष्का से शादी कर लिए और धोनी वर्ल्ड कप जीत करके अपने घर ले गए, और आप बैठ करके उन सबको देखिए। आपको अपना वर्ल्ड कप जीतना है कि नहीं जीतना है? नहीं तो मेरे पापा मेरी शादी कहीं और करवा देंगे और मुझे कोई और लेकर के जाएगा, बता दे रहे हैं। अब फैसला आपके हाथों में है, हाँ नहीं तो।